नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ में मुजाहिद भारती आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिनभर की खास खबरों की ओर। SC ST एक्ट में हुए संशोधन के विरोध में सर्व समाज द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका खासा असर आज गुना में भी देखने को मिला। बंद का असर इतना देखा गया कि शहर भर में छोटे से लेकर बड़े सभी संस्थान खुद उनके मालिकों ने अपनी मर्जी से बंद रखे। शहर भर में कहीं भी कोई भी दुकान बंद करता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि दुकानें खोली ही नहीं गई थी। साथ ही जिले भर में धारा 144 के चलते पुलिस ने सर्व समाज को सिर्फ स्थानीय प्रताप छात्रावास में आम सभा करने की अनुमति ही दी थी, जिसके बाद रैली आदि की अनुमति को निरस्त कर दिया गया था। लगभग 11 बजे शुरू हुई इस आम सभा में देखते ही देखते भीड़ बढ़ती गई और आम सभा के समापन तक प्रताप छात्रावास भीड़ के लिए छोटा नजर आने लगा था। इस भीड़ को देखकर प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ रही थी। आम सभा को संबोधित करते हुए विभिन्न समाजों के पदाधिकारियों ने SC ST एक्ट बिल को लेकर सरकार को कोसा एवं इस बिल को वापस ले लेने की गुहार सरकार से लगाई है। आम सभा के बाद जिला कलेक्टर ने प्रताप छात्रावास पहुंचकर ही ज्ञापन लिया एवं आम सभा का समापन हुआ, जिसके बाद सभी लोग शांतिप्रिय तरीके से अपने अपने घरों की ओर गंतव्य कर गए। उमड़ते हुए जनसैलाब को देखते हुए प्रताप छात्रावास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। साथ ही शहर भर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। वहीं पुलिस के आला अधिकारी शहर भर में गश्त करते हुए भी नजर आए। हालांकि सर्व समाज द्वारा आज इस बंद को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया, लेकिन यह भी चेतावनी दे दी गई है कि यह तो अभी शुरुआत है। यदि सरकार इस बिल में हुए संशोधन को वापस नहीं लेती है तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। वो कहीं ना कहीं एक काला कानून है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो संशोधन किया गया था, आज की युवा पीढ़ी और श्रमण समाज, ओबीसी समाज, जितने भी सभी समाज ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कानून को सम्मान किया जाए और जो नया कानून लगाया गया है वो भी तो है और उसको हटाया जाए। जय हिंद। क्या क्या मानते हैं इसमें आप युवा वर्ग के लोग हैं, किस पार्टी को आप दोषी मानते हैं, किसका क्या है? मेरा ऐसा मानना है कि इसमें जितने भी जननायक, चाहे वो BJP से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे वो सपा से हो, चाहे बहुजन से हो, चाहे वो JDU किसी भी दल के नेता हो, बराबर के दोषी हैं, क्योंकि सबने एक साथ मिलकर बहुमत से इसको पास किया था, जो कि कतई सही नहीं है, क्योंकि इसमें श्रमण समाज, ओबीसी समाज का कतई ध्यान नहीं रखा गया। एक मात्र 23% पूरे भारत देश में 23% लोग हैं SC ST एक्ट के खिलाफ है ये, और ये इतना जरूरी है भारत वर्ष के लिए। अगर इस एक्ट को खत्म नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। भविष्य में आने वाली पीढ़ी इस देश को कभी माफ नहीं करेगी। और ये सारे जितने नेता हैं, चोर 543 सांसद, इनके बच्चों को इनको पूछना चाहिए कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। मतलब इस एक्ट को अगर नहीं हटाया गया तो इस देश की भविष्य 78% जनताओं का
भविष्य आने वाली जनरेशन का अंधकार में हो जाएगा। और आपको एक जानकारी और दूं, जब भी कोई क्रांति शुरू हुई है इस भारत में अगस्त के महीने में हुई है और वो सफल हुई है। ये क्रांति भी अगस्त के महीने में शुरू हुई है और इसको कोई नाकाम नहीं कर सकता। अगर नेता लोग ये सोचते हैं ये चिल्ला के बंद हो जाएंगे, मर जाएंगे, मार डालेंगे, लेकिन शांत नहीं होगी पब्लिक। अब 22% के लिए 78% लोगों का हक मानना हो मानव अधिकार का हनन हो रहा है पूरी तरह से। क्या ये विरोध प्रदर्शन आज के लिए यहीं से खत्म कर देंगे? आगे आप जारी रखेंगे, ऐसा चलता रहेगा ये आपके बाद कभी? अभी तो ये तो शुरुआत है, आप आगे आगे देखिए क्या होता है। देश भर में आज भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। वहीं कई जगहों पर माहौल को देखते हुए प्रशासन द्वारा धारा 144 भी लगाई गई थी। इसी के चलते आज गुना जिले के आरोन में ज्ञापन देने जा रहे आम जनमानस पर पुलिस ने लाठियां भांज दी। बता दें कि आरोन नगरवासी शांतिपूर्ण तरीके से SDM को ज्ञापन देने जा रहे थे, तभी अचानक पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें खदेड़ दिया गया। साथ ही उन पर हल्का बल प्रयोग भी किया गया था। समस्या परे है कि जब शांतिपूर्ण तरीके से नगरवासी SDM को आवेदन देने जा रहे थे तो आखिरकार पुलिस ने इस बल प्रयोग का इस्तेमाल क्यों किया? अरे काय का आंदोलन जाना है? ज्ञापन दे दिया ना। अरे क्या हो यार, तुम लोग आगे बढ़ के खड़े हो, इधर ले आओ गाड़ियां, सब गाड़ियां बस। जिले के चाचौड़ा क्षेत्र में भी दिखा भारत बंद का असर। आपको बता दें कि SC/ST एक्ट के बिल में संशोधन का विरोध आज पूरे भारत भर में किया गया। इसी के साथ आज चाचौड़ा बीनागंज में भी इसका जोर देखा गया। यहां बिल में संशोधन का विरोध बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया गया, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी नगर में घूमते नजर आए। वहीं डीजीआना न्यूज के संवाददाता शिवम नामदेव ने इस बंद के दौरान गरीब लोगों को हुए नुकसान के बारे में स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। बाबूजी
भैया राम राम। इस पर कोर्ट ने भी निर्णय दिया था कि बिगर सबूत के, बिगर पुख्ता सबूत के जो है कानून किसी पे हरिजन एक्ट लागू नहीं की जाएगी। मगर वोट की राजनीति को देखते हुए कांग्रेस चाह रही थी हम लाभ उठा लें और बीजेपी चाह रही हम लाभ उठा लें। इसमें सामान्य वर्ग का मरण हो रहा है, इसलिए इसका विरोध हम सख्ती से कर रहे हैं और हम अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक, मोदी तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे संग न्याय हो और हमको अपना अधिकार मिले और किसी के साथ अन्याय ना हो। और इसीलिए हमने पूरा देश, पूरा भारत, हमारा पूरा चाचौड़ा गुना जिला सब पूरा बंद है। देखिए आज पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के कई हिस्सों को सवर्ण जाति के द्वारा बंद कराया गया है और सवर्ण जाति का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं उनको उपेक्षित करना नहीं है। उसका मेन उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि भारत की संसद में जो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को बदला है जिसके तहत SC ST एक्ट में संशोधन किया गया है। पूर्व में जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता था उससे पूर्व जांच की जाती थी और इसके बाद संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था, पर संसद ने एक बिल लाकर उसमें जो संशोधन किया उसके तहत अब डायरेक्ट गिरफ्तारी का जो प्रावधान रखा है। संपूर्ण सवर्ण समाज उसका विरोध करती है। हम किसी भी जाति या किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करते। मैं खुद भाजपा का एक दायित्वान कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी भी पार्टी का और अपनी स्वयं पार्टी का भी विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं भारत सरकार से यही निवेदन करता हूँ सवर्ण जाति का व्यक्ति होने के नाते कृपया इस बिल में थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता है। हम गरीबों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम पिछले लोगों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, बस आपसे इतना ही निवेदन है। इसमें जो संशोधन पूर्व में किया जा रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको पारित भी कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे देश के अंदर काज चालू भी कर दिया था, उसमें थोड़ा सा संशोधन करने की भारत सरकार से मांग किया। आज जिस प्रकार भारत बंद है, इस प्रकार चाचूड़ा में कुछ हलचल दिखाई दी आपको? चाचूड़ा सवर्ण समाज के स्वरूप से आज पूर्णतः बंद है। हम लोगों ने कल सामाजिक संगठन जितने चाचूड़ा के हैं सबने मिलकर चाचूड़ा में एक शांति प्रिय तरीके से बाजार बंद करने के लिए निवेदन किया था और चाचूड़ा की जनता ने उसमें अभूतपूर्व सहयोग किया है, बीना की जनता ने उसमें अभूतपूर्व सहयोग किया है। हम सभी उसके लिए चाचूड़ा की और बीना की जनता को धन्यवाद देते हैं और हमारा यह आज का बंद पूर्णतः शांतिपूर्ण बंद किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई घटना आप लोगों के सामने आई भी नहीं है और आने वाली भी नहीं है। हम सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से आज भारत बंद का और चाचूड़ा बीना बंद का आह्वान कर चुके हैं। मुनिश्री तरुण सागर जी को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। चाचौड़ा नगर स्थित जैन मंदिर पर चाचौड़ा बीनागंज के समस्त नगरवासियों द्वारा राष्ट्रीय संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज, जिन्होंने जैन समाज के रीति रिवाजों के अनुसार समाधि ली है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहां श्रद्धांजलि सभा के बारे में जानकारी देते हुए मनोज कुमार जैन ने बताया कि मुनि श्री एकमात्र ऐसे संत थे जिनको राष्ट्रीय संत का दर्जा प्राप्त था और उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही अपने घर परिवार को त्याग कर समाधि लेने का विचार कर लिया था। के माता पिता भाई है छोटो परिवार और धर्म क्या होता है, लेकिन विलक्षण थी उम्र में इतनी लोकप्रियता हासिल की कि आप जैन मुनि से जन जन की मुनि बन गए। आपके ऊपर कीर्तिमान और सम्मानों की बरसात होने लगी। एक बात तो समझ में आती है कि हमारे भारत को जो गौरव प्राप्त हुआ है वो कैसे प्राप्त हुआ। जैसे कि आदरणीय भाई साहब बता रहे थे कि हमारा देश विश्व गुरु था और विश्व गुरु होने का दर्जा क्यों प्राप्त था, वो ऐसे ही संतों के कारण से प्राप्त था। क्योंकि तरुण सागर जी महाराज जो संत जिनको राष्ट्र संत की उपाधि प्राप्त थी, वो केवल जैन समाज के संत नहीं थे, वो पूरे सारे विश्व के संत और महाराज के नाम से जाना जाता था उनको, जैसे भी बताया भाई साहब ने। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट।
विगत दिवस शिक्षक दिवस के उपलक्ष में राधा कृष्ण सर्वपल्ली को किया गया याद। गौरतलब है कि चाचौड़ा में शिक्षक दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया, साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षकों का यहां सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। तत्पश्चात नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने प्रिय शिक्षक अभय अनंत मिश्रा का जन्मदिन राधा कृष्ण सर्वपल्ली के जन्मदिन के तौर पर मनाया, जिसमें बच्चों ने केक भी काटा और शिक्षक महोदय को कई उपहार भी दिए। आप लोग भी चल जाओ सब काना। अरे इधर देखो, इधर अध्यक्ष महोदय कहाँ देख रहा है। आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और शिक्षा के क्षेत्र ऐसा है कि जितना आगे बढ़ोगे जितना आगे बढ़ोगे आगे बढ़ते चले जाओगे, इसलिए शिक्षा का दान महान कल्याण है और शिक्षा कभी अपने से दूर नहीं जाती है। धन चला जाता है, पैसा चला जाता है, ये शिक्षा कभी नहीं जाती है, वो हमारे पास हमेशा रहती है। हमारे कैरियर को बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। आरोन में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई साई बाबा की पालकी। चौहान कोचिंग सेंटर से प्रारंभ हुई यह पालकी इंदिरा पार्क, पुराना बस स्टैंड, मेन बाजार आदि होते हुए दास हनुमान मंदिर पर पहुंची, जहां साई बाबा की आरती कर महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। इस मौके पर राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी यहां उपस्थित रहे एवं उन्होंने भी यहां पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। उक्त पालकी यात्रा का विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। वहीं अखाड़ेबाजों ने यहां पर अपने अखाड़े के कर्तव्य भी दिखाए। शोभा यात्रा में भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। डिजियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।